हेलो गाइस, आज हम आए हैं वासग्राम। ये एक टूरिस्ट पैलेस है यहाँ भी, और इधर सबसे अभी हमने जर्नी स्टार्ट किया है। अभी हम मौनपुर पहुँच चुके हैं और आज हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है वासग्राम के लिए। और यहाँ आज अभी हम यहाँ पर जो वासग्राम फेमस है बम्बुओं के लिए, बांसों के लिए। लेकिन बीच में देखिए, इस रास्ते में कई सारे टी प्लांट हैं। देखिए कितना सारा, चारों तरफ यहाँ आप देख सकते हो टी प्लांट बहुत सारा है। एंड यहाँ ये है नरेंद्रपुर चा बागान। यहाँ चाय नहीं, चा बागान बोला जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ चारों तरफ। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो, देखिए बांग्लादेश बॉर्डर। अभी हम इसके सहारे चल रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर के, और इसके दूसरी तरफ बांग्लादेश, एक तरफ इंडिया। और इंडिया में देखिए चाय बागान, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाय की खेती होती है। ये बांग्लादेश बॉर्डर है, बहुत पास से एकदम बहुत क्लोज। ये देखिए बांग्लादेश बॉर्डर। अभी हम जिस जगह पर घूमने जा रहे हैं वो सिमना है, वो 11 किलोमीटर है। और ये बांग्लादेश बॉर्डर इस तरीके से देखिए, किस तरीके से वायर से इसको देखिए बांधा गया है। नॉर्थ ईस्ट में हर जगह घूमने का एक अलग ही मज़ा है। हर दिन आप अगर निकलते हो तो आपको बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। और जैसा हम भी बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास में रह रहे हैं। ये हमारे पीजीटी डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल सर। तो आज हम इस जर्नी को स्टार्ट किया है आज बाइक से, काफ़ी टाइम हो गया था। आपको मैं थोड़ा वासग्राम का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए वासग्राम, एंड यहाँ से यहाँ पर जो भी चीज़ है मोस्टली बांसों से बनी हुई है। और आप लोग देख सकते हो एक टूरिस्ट पैलेस है, इसमें बहुत सारा शानदार नज़ारा आप लोगों को दिखा देगा। और देखिए वैसे यहाँ पर कपल ज़्यादा ही मिलते हैं हमें, हम देख सकते हैं। एंड वैसे गाइज, ये है वासग्राम के अंदर का सीन, आप सभी लोग देख सकते हो। और हम हमारे टीम के साथ आए सभी। और ये देखिए आप, यहाँ लव स्पॉट देखिए कितना शानदार। देखिए ये हमारे साथी पीजीटी मैथमेटिक्स कर्माकर सर, इनसे जानिए यहाँ का राज क्या है। यहाँ का बहुत ही अच्छा है, टोटली 100% नेचुरल। एक चीज तो इधर 0% पोल्यूशन है। आज देखो हमारा देश पोल्यूशन का वजह से जूझ रहा है, लेकिन इधर ऐसा ही एक चीज बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है, हैंडमेड है सब कुछ, और 0% पोल्यूशन है इधर। ऐसा कोई भी 0 प्लास्टिक यूज हो रहा है इधर, एक भी प्लास्टिक का चीज़ नहीं यूज़ हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ बना हुआ है सब नेचुरल चीज़ें बना हुआ है, वो भी हैंडमेड। तो इसको मज़ा लेने के लिए मैं तो सबको आने के लिए बोलूँगा एक बार। और आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ बहुत सारा कुछ ऐसा हैंडमेड बनाया हुआ है बांस से, कि जो कपल्स को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, हम आकर्षित करती है चीज़, अट्रैक्टिव चीज़ें। तो हमने भी देखा है कई कई जगह पर, देखिए आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर एक फैमिली पिकनिक स्पॉट है। एंड अगर आपको यहाँ अगर अंदर कुछ पार्टी भी करनी है तो आपको पहले परमिशन लेना होगा। और आप एक बार परमिशन लेते हो आप आराम से पार्टी कर सकते हो, आपका अरेंजमेंट होगा उसका भी व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ। और देखिए आप कितने सारे बम्बू है, इसलिए इसका नाम वासग्राम है। ये गाँव यहाँ एक तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ बहुत सारे बांस, और ये बांस भी एक अलग ही तरह के क्वालिटी के हैं। देखिए आप लोग देख सकते हो हमारे साथी, ये हमारे बिटिया रानी अंजलि। और देखिए आप लोग देखिए कितना सारा,
ये झूला यहाँ पर बना हुआ है और हमारे सर अंजलि एंड सभी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ डिम्पी डिम्पी इधर से फिसलो फिसलो इधर से ये अच्छा निंजा टेक्निक। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग ये सभी साथी झूला झूलते हुए इनके लिए सावन आ गया है सावन आया झूम के ये हमारे आर्ट सर और ये कर्मा कर सर अच्छा उधर का ये देखिए इधर भी झूला चल रहा है हमारे एंड हमारे बेंगोली सर बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए और बांस ग्राम सच में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट या पिकनिक स्पॉट है। आपको जब भी कभी इधर आने का मौका मिले तो आप जरूर आइए और इसकी एंट्री फीस भी इतनी नहीं है ओनली 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट। आप लोग देख सकते हो ये हमारे PGT हिस्ट्री एंड PGT केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर सर। सर बताइए आज का कैसा लगा पिकनिक आपको? बहुत शानदार। क्यों? काबिले तारीफ। वाह प्रकृति के बीच में रहने का एक अलग ही मजा है। बाकी हमारे एफसी सर बताएंगे। प्रकृति का अपना एक अलग मजा है ना, साथ में कम संसाधन में कितनी अच्छा लोकेशन आपको दिया है ना। और यहाँ पर सारी चीजें जो है बायोडिग्रेडेबल है, केमिस्ट्री टर्म से देखा जाए तो कोई प्लास्टिक का यूज नहीं है, सब कुछ जो है बायोडिग्रेडेबल है जिससे पोल्यूशन कम होगा। वाह ये हमारे केमिस्ट्री सर है इसलिए हमारे केमिस्ट्री की बातें करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर देखिए पिकनिक स्पॉट पर कई चीज़ें कपल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और ये देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बेस्ट पैलेस। मैं आपको मोस्टली चीज़ों को कवर करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा। देखिए हालांकि देखिए पुल भी बनाया हुआ है, ये पूरा कम्प्लीटली बम्बुओं का पुल बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। और देखिए आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति आपको दिखाते हैं बांस विराम में। ये देखिए वाओ शानदार गजब ये यहाँ का टूरिस्ट पैलेस। देखिए शानदार पिकनिक स्पॉट है कसम से, ये देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको कैंटीन मिलेगी और अभी थोड़ा आपको कैंटीन का नज़ारा दिखाएंगे कि कैंटीन के अंदर क्या है। देख आप लोग देख सकते हो देखिए वाह एक शानदार पिकनिक स्पॉट ये कैंटीन। एंड देखिए आप इस कैंटीन का नज़ारा देख सकते हो हेलो गाइज। ये देखिए हमने ऑनियन पकौड़े एंड वेज पकौड़े मंगाए, पनीर पकौड़े तो एंड चाउमीन बहुत शानदार टेस्टी है। ये देखिए हमारे सर लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ खा रहे हैं, शानदार लाजवाब मजा आया। देखिए बहुत शानदार कैंटीन है। इधर हमारे सर इनको भी बहुत शानदार लगा सच में। वाह मेरे सर पैर उधर से लग गए बैक टू बैक।